नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले भोजपुर इंडस्ट्री के हीट मशीन, ट्रेंडिंग स्टार, ग्लोबल स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव ने एक कंपनी का इनॉग्रेशन किया था और वो कंपनी के इनॉग्रेशन में भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव वहां पर पहुंचे हुए थे और वहां पर उन्होंने उस चीज का इनॉग्रेशन किया जहां से तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। लेकिन उस दौरान उन्होंने काजल राघवानी को लेकर एक बात कही थी और काजल राघवानी को लेकर जो बात कही थी वो ये थी कि काजल राघवानी आपके साथ क्यों नहीं काम करना चाह रही काम क्यों नहीं कर रही है। तो खेसारी लाल यादव का ये कहना था कि जितना की उतना तो की ही, हमेशा हर कोई कलाकार थोड़ा ना रहता है, वो कहीं ना कहीं बदलना पड़ता है और बदल कर मिलजुल कर जो है वो काम करना होता है। लेकिन इसी कड़ी में काजल राघवानी ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है और वो उनकी अपकमिंग फिल्म को लेकर है और वो उस फिल्म में काजल राघवानी जो हैं वो चिंटू पांडे की पड़ोसन दिखती नजर आ रही हैं। जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि काजल राघवानी की अपकमिंग फिल्म है वो चिंटू पांडे की है, यानी कि खेसारी लाल यादव के संघर्ष 2 की फिल्म बाहर होने के बाद काजल राघवानी जो है वो चिंटू पांडे के साथ नजर आ रहे हैं और उस फिल्म का नाम है पड़ोसन। और काजल राघवानी इस तस्वीर को साझा करके लिखती हैं कि न्यू मूवी पड़ोसन स्टार्ट्स विद माय पड़ोसी प्रदीप पांडे चिंटू, यानी कि पड़ोसन फिल्म का नाम है और पड़ोसी चिंटू पांडे को बताई है, जिसके बाद तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और ये इस समय तस्वीर आई है जब खेसारी लाल यादव ने काजल राघवानी को बयान दे दिया था कि हर लोगों का हमेशा दिन थोड़ा ना होता है, हर लोगों को बदल बदल कर काम करना पड़ता है। खैर, इस तस्वीर को लेकर आपका क्या कैप्शन है, खेसारी लाल यादव के बयान के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।